जी बहुत सही। आपके अनुसार जो है ये जो धर्म है, सनातन है, इस्लाम है, ईसाइयत है, ये धर्म आपके नजदीक क्या है? सही है, गलत है, या फिर ये होने चाहिए, नहीं, नहीं होने चाहिए? नहीं, जेके एम भाई, नहीं, सवाल उनका सीधा है। आप पता क्या कर रहे हैं, ये सवाल आपका गलत है। पहला सवाल चले फिर भी आपका ठीक था कि आप पूछते कि आप क्या हैं, वो तो चलो फिर भी समझ आ रहा था। उन्होंने सवाल पूछा है मूर्ति, वो तो प्योरली हिस्टोरिकल और एक एकेडमिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इसमें आप इनको गलत मानते हैं उसको मानते हैं। मूर्ति पूजा का फिर क्या ताल्लुक है उससे? अगर वो कह दें कि मैं सबको गलत मानता हूँ, सवाल तो वही रहेगा ना। आप असल सवाल की तरफ आए जी के ठीक एम है, भाई, जो जेन्युइन सवाल है मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि जब इंसान के अंदर अखलियत, जब इंसान के अंदर विवेक विकसित हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो फिर इंसान ने क्रिएटिविटी शुरू की, और वो मूर्ति उस क्रिएटिविटी का पार्ट है, उसकी क्रिएशन का पार्ट है, इंसान की क्रिएशन का पार्ट है वो मूर्ति। अब अपनी भावना के अनुसार, जैसे कि शास्त्रों में भी आया है कि जो मुझे जैसे पूछता है मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, गीता में भी है। सॉरी, मैं आप लोग रेफरेंस ज्यादा मांगते हैं, तो मैंने जी पढ़ा है, रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, दे पाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, क्योंकि कई चीजें आप पढ़ते हैं तो फिर आपको ये बात भूल जाती है कि आपने एग्जैक्ट आपने वो कहाँ से लिया है। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैंने कहा कि अभी मैं बिगनर हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुझे क्षमा चाहिए इसके लिए। जी तो जी फिर जी वो मूर्ति उस क्रिएशन का पार्ट है। अब इसमें आप ये कहें कि आर्कियोलॉजी के अनुसार एविडेंस ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो आर्कियोलॉजी के अनुसार एविडेंस बहुत सारे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माने ही ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि जो आपको नहीं दिखता है वो आप माने ही ना। जी आमिर भाई, मेरा जवाब कितना संतुष्ट जी करने जी वाला है। पिनाक पिनाक भाई, आपने इनका जवाब सुना, आप सहमत हैं उनसे? उन्होंने कुछ स्ट्रांग बिल्कुल पॉइंट्स भी रखे हैं, उस पे आप कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल तो जरूर कहें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे सब बिल्कुल मुझे समझ भी नहीं आई इनकी बात, ये क्या बोल रहे हैं। दरअसल सर, हमारे इंडिया में सर ये जो कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे वो आते हैं, ये इनको पहचान लिया हूँ मैंने, और वहां पे भी ये सर सबूत नहीं दे पाते, और वहां पे भी इनसे सबूत मांगे जाते हैं। मेरा ओ अभी भी सवाल यही है कि मूर्ति पूजा कब शुरू हुई, क्योंकि मूर्ति पूजा का संबंध प्योरली हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, पुनर्जन्म और साकार निराकार इन सब से है। आज आपने इनका मेन पॉइंट पकड़ लिया है, मूर्ति पूजा। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि मूर्ति इनके धर्म में आई कहाँ से, इन्होंने मूर्ति पूजा कब शुरू की? इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हजार साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले, क्योंकि उस दिन वो मोक्ष भाई परसों के दिन एक इस्लामिक स्ट्रीम में कह के गए कि आपके यहाँ जो हाफिज होते हैं तो आपके पास शायद 5 लाख ऑथेंटिक हाफिज है, तो वो दावा करके गए उनके पास 81 करोड़ हाफिज है वेदों के। ओ ओ ये किसने किया? ये आपके मोक्ष भाई ने किया, प्यारे मोक्ष भाई ने। ओहो, 81 करोड़! जी, अभी आपको अभी उस दिन ही मैं देखा, परसों के दिन की बात है, 81 करोड़ हाफिज है बोले, और उनके सारे एविडेंस वो कांचीपुरम मठ में पड़े हैं बोले। चलो वेरी गुड। उनका पता इक्यासी कैसे करोड़ चलेगा? हाफिज वो ये पक्की हाफिजे बात है, ये वेद पक सॉरी सॉरी ये पक्की बात है, वो 81 करोड़ अभी जीवित नहीं होंगे पिनाक भैया, सही है? सर, 81 करोड़ लोग इंडिया में कब थे? वेरी गुड, ये भी एक प्रश्न है, मगर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो हाफिज तो उन्नीस जीवित नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं भी कह देता हूँ 5 करोड़ हाफिज हैं, क्योंकि कौन मांगेगा सबूत? ये शायद इस्लाम अवेकिनिंग मोक्ष में। तो सर वो तो सब ठीक है, अभी ये जो बोल रहे हैं इनको समझ में आ गया है कि मैं इनसे सबूत मांगूंगा इनकी मूर्ति पूजा का, हिस्टोरिकल और फिजिकल। तो ये मुझे अभी भी नहीं बता रहे लोग कि ये इनकी मूर्ति आई कहाँ से। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैं खुद नहीं इस वक्त बहुत ज्यादा
सोच में पड़ा हूं कि मूर्ति पूजा आई कहां से क्योंकि आपने सर आज लंबी चौड़ी स्ट्रीम मूर्ति पे की कि दयानंद ने ये बोला वो बोला वो बोला सब बोला, तो सब बातें ठीक है, वो मूर्ति के पीछे इतना क्यों लगा था सर ये तो पता कीजिए। जी। उसने देखे वो मूर्ति मूर्ति के पूजा को पीछे खाई कह दिया, कहता खाई है, उसको गहरा खाई। उसको ऐसा उसको मूर्ति का ऐसा कौन सा राज पता चल गया था जिसकी वजह से वो मूर्ति के पीछे हाथ धो के पड़ा था असल में और वो एक उनको राज। नरक। हाँ वो राज एक जो है वो जीवन चरित्र के अंदर लिखा हुआ है स्वामी। अब एक बात जी जी सुनिए सर, ये जी जी वेदों का एक महावाक्य है, वेद सर्वम खलितम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, यानी हर इंसान में ब्रह्म का वास है, हर कण में ब्रह्मा है। तो सर फिर दयानंद ये क्यों बोल रहा है कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो नरक का भागी होगा? मूर्ति पूजा करने वाले में भी ब्रह्म मौजूद है, मूर्ति में भी ब्रह्म मौजूद है, फिर वो और तो फिर कहाँ से वो नरक में कहाँ से जाएगा? और मूर्ति पूजा से दयानंद को इतनी नफरत क्यों है, और उससे भी ज्यादा मूर्ति पूजा आई कहाँ से? हाँ ये सवाल वैलिड है, ये सवाल मैं नहीं रखूंगा आगे। जी कीजिए कैम्बर। ये तो सही बात है कि अगर भगवान कुवर में है तो फिर वो उस मूर्ति में क्यों नहीं है, ये एक वैलिड सवाल है जी। लें और जी उसके बाद जी कैम भाई। सर जी मैं मेरे असल में आगे सब्जेक्ट बढ़ना ऑब्जेक्ट क्या हो चाहूंगा। जाता है असल सर? में असल में मैंने आज आधा घंटा स्ट्रीम स्टार्ट में जो की थी उसकी वजह ये थी कि मुझे एक बड़ा जरूरी काम है जिस वजह से मुझे आज जल्दी निकलना था, वरना फ्राइडे वेडनेसडे की स्ट्रीम मैं 3 घंटे की करता हूँ। फ्राइडे चूंकि आर्या समाज के लिए या क्वेश्चन सेशन के लिए होता है तो इसको मैं कंप्लीटली लंबा लेकर चलता हूँ। आज मैंने स्ट्रीम आधा घंटा पहले इसलिए स्टार्ट की कि मुझे जल्दी निकलना और मेरे पास चंद मिनट बाकी हैं। ठीक है तो जी के एम ठीक भाई है आमिर आपसे मैं भाई, इजाजत लूंगा। जी। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट, थोड़ा वो अपने दो नाम बता दीजिए, वेद हिंदी में ved.in, नहीं, वेद डॉट वेद कॉम। वेद हिंदी में लिखना है, डॉट कॉम इंग्लिश में आ जाएगा ना, वेद डॉट कॉम। और दूसरा है हाँ, वेदिक और स्क्रिप्चर्स दूसरा डॉट आपके इन। ठीक है ये इंग्लिश में वेदिक रहेगा जी, पूरा? इसमें वेदिक अच्छा स्क्रिप्चर्स का तो मुझे पता है, उसमें इंग्लिश में मौजूद है अनुवाद, डॉक्टर तुलसीराम का भी मौजूद है और एक है मुझे अभी इनका नाम भूल रहा है उनका भी मौजूद है। हिंदी में तो कंफर्म मौजूद है सबका, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी। वेदिक वेद डॉट कॉम के ऊपर भी मेरे ख्याल से इंग्लिश में मौजूद है। हाँ है दोनों पे है। ठीक ठीक है, ठीक है आमिर है भाई, ठीक है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन फ्यूचर मैं चाहूंगा कि जो मेरे भी सवाल आते हैं जी इस्लाम जी जी पर उसके भी जवाब आपके माध्यम से मिले, और हम एक कंपेरेटिव स्टडी कर पाए दोनों रिलीजन्स के बीच में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या क्या है, क्योंकि जी जी आपकी जी भी लाइव बिल्कुल स्ट्रीम में सुनता हूँ तो काफी सारे सवाल आते हैं अंदर मन में आपसे पूछने का, क्रॉस टॉक करने का। लेकिन अब जी। मैंने कहा कि मैं बिगनर हूँ तो फिर थोड़ा वक्त दीजिए, और आपने लाइव स्ट्रीम में मुझे लिया, इसके लिए जी। आपका काफी धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जी कैम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप काफी सिंसेयर और सत्य जो आप समझते हैं आप रख रहे हैं, और जितना आपके पास है आप रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी कैम भाई, आपसे दोबारा बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं दोस्तों आज की गुफ्तगू हमारी बड़ी जबरदस्त रही। मैंने ये आर्या नाम देखा तो मैंने इनको ले लिया, मैंने कहा आर्या समाज की स्ट्रीम है और किसी ये पहले मैं कंफर्म कर लूं, बाद में फिर कह देते हैं ना वो हमने आर्या नाम क्या वैसे ही बात रखा है, हुआ। आप आर्या समाज से हैं भाई? बोल सकते हो। नहीं बोल सकते, मैंने क्यों बोलना है, आप क्या हैं यार? आर्य समाज जी का मतलब क्या आप समझते हो, कोई अगर टर्म यूज करे तो? यार ये क्या, ये विनाथ भाई क्या मेरे साथ क्या मजाक चल रहा है? मैं जब मजाक किसी हो को रहा है कहता भाई? हूँ कि कोई आर्या समाज से है, कोई क्लेम ही नहीं, कोई क्लेम करने की हिम्मत ही नहीं, कोई थोड़ा सा कर ही नहीं रहा, कोई पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा, गट्स ही नहीं है किसी में। पर अभी आर्य समाज वाले सब नियोगी रहते हैं, ये शायद नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, हाँ ठीक और है। कुछ हो गया? आप आर्या इजुना भाई, आप आर्या समाज से हैं या नहीं है, थोड़ा कह क्लियर सकते कीजिए हो क्या। का मतलब कह दो। नहीं क्या, मैं देखो मेरी बात सुनो, आप मुझसे पूछो आप मुसलमान हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कह लो, मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हम ठोक के मुसलमान हो। ये क्या है पीगी बिल्लियां, अपनी स्ट्रीम के ऊपर तो 8-8 घंटे सुपर चैटे बक बक करते हो, इधर आके तुम ओके लोग ओके ठंडे हो ओके जाते हो बिल्ली बिल्लियों की तरह। जरा खम ठोक के कहो ना मुझे,
शास्त्र रच करेंगे, वेद की वाणी गांव गांव फैलाएंगे, क्या तमाशा है। वादे हक पर आते कहते जो कहना है कह लो, जो कहना है कह लो, प्लीज मैं मारना ना, जो कहना है कह लो। कह लिया तो थोड़ी वैसी भी तैसी होए। अच्छा अच्छा, वैसे मुस्लिम का जो मीनिंग होता है वो भी होता है वन होप प्रेज। दूसरी चीज ये है, बोल लो भाई, कि जब इनको पता चला कि मैं स्ट्रीम एंड करने वाला हूं, आपने कमाल चेक किया है, तब कड़क करके आर्या समाज का चेला जो है वो अंदर आ गया, छोटा अंडा अंदर कूद गया। जब मैंने बोला है कि स्ट्रीम या आखिरी हम एंड कर रहे हैं, कंक्लूड मैंने जाना है, शुरू से बैठा हुआ हूं, किसी माइक के लाल में दम नहीं कर था। स्ट्रीम का जब स्टार्ट के अंदर आए, स्टार्ट के अंदर बैठे, पिछली 8 एपिसोड की, तब तू अंडे में था, तब किधर था, कल कर लो, फर्क बैठा हूं क्या? हां ठीक है, कर लो ना, स्पेशल स्ट्रीम कर लो फिर। सिर्फ एक सवाल लग गया क्या? सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सवाल, फिर मेरा भी सवाल होगा। वजह वजह केवल तुम सवाल पूछोगे। जब, जब जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आ जाना, हम स्ट्रीम के विषय के हिसाब से चलेंगे ना, जो टॉपिक है। अच्छा जी, तुम्हारा, तुमने सवाल करना है, मैंने कब रोका है? ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ, लिंक देता हूँ, उस वक्त दमखम नहीं है, टांगे कांप रही होती है, घुसता ही कोई नहीं। नहीं लाइक मैंने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो मेरे को कुछ भी नोटिफिकेशन आता नहीं है। हां तो ना करो, नहीं कर, डर लगता है, डर लग, कोई नहीं करता। आर्या समाजी सब्सक्राइब क्या, पास भी नहीं आता। तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो प्रश्न होगा ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ, जिसमें दम हुआ इस्लाम पर, जो बड़े से बड़ा एतराज, तुरंत खान समझते हैं ना कि ये एतराज का जवाब नहीं है, उससे मेरी जांग पे बैठा है। अच्छा सवाल अब ये है, सिंपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, हाँ उल्टा बोलता हूँ, उल्टा करता हूँ, तुम्हें टेंशन ना लो, तो मैं उल्टा करता हूँ, मैं अभी अपने ऊपर उल्टा, हाँ अपने ऊपर मैं सीधा होऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर उल्टा करूंगा। ओके बोलो, चलो क्वेश्चन पूछो, जिस तरह तू चाहेगा वैसे करूंगा, टेंशन ना ले, जिस तरह तू चाहेगा संतुष्ट करके भेजूंगा, टेंशन ना ले। अच्छा ये सवाल है, मूर्ति पूजा पाप है या पुण्य? वेल ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि लाइक पुण्य नहीं है मूर्ति पूजा करना, यानी पाप है। हाँ पाप अधर्म होता है या नहीं? अधर्म होता है, लेकिन कितना बड़ा पाप है ये भी डिपेंड करेगा। यानी मूर्ति पूजा छोटा पाप, हाँ ठीक है, कितना बड़ा है, तो मूर्ति पूजा बड़ा पाप है या छोटा पाप है? एक मर्डरर से तो छोटा ही होगा, किससे, कोई मर्डर करे उससे तो कम ही होगा, उस मर्डर से कम है, ठीक है, मगर इतना पाप है कि ये अधर्म है? हाँ इतना पाप है, ठीक है। और अधर्म जो होता है उसको मोक्ष मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यानी कि फॉर्मूला सेट ये हुआ कि जितने सनातनी मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे ही है? हाँ मुसलमानों को भी नहीं मिलेगा एक्चुअली। हंसने की क्या बात है, सही बता रहा हूँ। दोबारा सुन रहे, दोबारा, जो सनातनी मूर्ति पूजा कर रहा है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा ही यार? हाँ ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू मार्शल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सनातनियों सुन लिया आपने? आपने सुन लिया, आर्या समाज का छोटा अंडा लाइव बोल कर गया है, टाइम खत्म हो गया इसलिए इसके साथ आगे बात नहीं कर रहा, वरना मैं जरूर बात करता, क्योंकि मैं स्टार्ट में कह चुका हूं, अगर किसी को लग रहा है ना इससे बात क्यों नहीं कर रहा, तो वो स्टार्ट में देख ले, मैं बोल चुका हूं, मेरे पास टाइम कम है, बल्कि अभी भी मैं 5 मिनट ऊपर जा चुका हूं, जो मैंने टाइम दिया हुआ है उससे 5 मिनट ऊपर जा चुका हूं। लाइव ये बंदा बोल गया है कि सनातनी जो मूर्ति पूजा करते हैं वो पाप है, इज इक्वल टू अधर्म है, इज इक्वल टू मोक्ष नहीं मिलेगा। अब ये पिल्ला आपको किसी चैनल के ऊपर नजर आएगा और वहां सनातनियों के साथ बैठकर इस्लाम के ऊपर बकबक कर रहा होगा, मैं उन सनातनियों को कहता हूं थोड़ी सी गैरत हुई तो अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेर के देखना कि लोग मूर्ति पूजा की वजह से ये कह रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष ही नहीं मिलेगा, ठीक है। पिनाक भाई मैं तो इजाजत लेने लगा हूं, आपने कुछ कहना इनकी बात के ऊपर तो आप कह लें, मैं इजाजत लूंगा। सर ये तो बकलोली कर रहे थे, लेकिन मैं अगले बार में जब आऊंगा तो ये मूर्ति पूजा, ये ब्राह्मणों ने ये मूर्ति पूजा क्यों शुरू की और इसमें इनका क्या रास्ता है, सब मैं आपको बताऊंगा सर अगली स्ट्रीम में, ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों माशाल्लाह अभी हमें
1000 प्लस लोग जो हैं वो देख रहे हैं, अल्लाह उनको जाय खैर दे। स्ट्रीम पीछे से जरूर देखिएगा, बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम गुजरी है आज। एक आर्या समाजी ने आने की थोड़ी सी हिम्मत की, बेचारा इधर उधर थोड़ा घूम रहा था, सीधा जवाब नहीं दे रहा था और बिल्कुल एंड में आया। इसको मैं कहता हूँ किधर गया, इसको मैं ना बेचारे को एक बार लेके, इजुना स्टार्ट में आओगे अगली बर, ताकि मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा, ठीक है? आ जाऊंगा, कर लो। जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्योंकि असल में मसला ये है कि मैं आज ना स्टार्ट में बोल चुका हुआ था, आई एम रियली सॉरी, मुझे दुख हो रहा है कि तुम आज आए हो और आज ही मुझे जल्दी खत्म, मैं प्लान बना हुआ था पहले से ही। ओहो, हमें तो भी काफी दुख हो रहा है। जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं दुख का रोग मैं दूर कर दूंगा अगली बार। वैसे वैसे मैंने इक्वली बोला, चल बक बक ना करो, अगली यार आई टैं 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 टैं, जब टाइम होता तब आते, कोई नहीं। 8 एपिसोड हो गए हैं, 9वीं में आके डेढ़ छणे, पहले आ पहले आ, तीर पहले पवा बेटा, एंड तेरा आ आ, रौला बाण आ गए। वैसे मैंने इक्वली पीक्वली कहा था, इक्वली उक्वली निकल गया बेटा, निकल गया पब्लिक के सामने। कहता है जी सरात्री को बोक्ष कोई नहीं बिल्ला, जो मूर्ति पूजा करते हैं आप, घंटे बजाओ टन टन पो पो बड़ बड़ बम बम बो बो, हां जी ओम नमः शिवाय करते हो बकरे की तरह, बजाते रहो मोक्ष मोक्ष कोई नहीं जा मिलना, आ रोंदे रहो बह के जमन वालियां नु, अपने पैदा करने वालियां नु रोंदे रहो बह के हुन, आ रोंदे मोक्ष नु। इसीलिए कहा था चुप करके इस्लाम में आ जाओ, सीधी सिंपल जिंदगी है, ये ड्रामेबाजी ना करनी पड़ती है जो ड्रामेबाजियां कर रहे हो, सीधी सिंपल आ तुरंत स्वस्थ हृष्ट आहा। अच्छा जी, मैंने आपसे इजुना भाई ये कंफर्म करना था, ताकि आपको भी बुरा ना लगे कि मैं आपको क्यों जो है वो टाइम नहीं दे पाया इस दफा, अगली बार आप स्टार्ट में आइएगा, थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, बड़े प्यार मोहब्बत से आपके साथ चलूंगा, ठीक है? बड़े अच्छे से, आप एक आर्या समाजी थे, मुझे अच्छा लगा कि 9वें एपिसोड में जाके कोई आर्या समाजी आया है, और वो भी पता क्या कहता है, आते ही एक बजे की बात एंड में कर जाऊं, आके पता क्या कहता है, कह लो। मैंने कहा आर्या समाजी हो, कह लें, मेरी गर्लफ्रेंड है क्या कि तुझे कह रहा हूं बाबू बेबी जानू, कह लें कह लें, वो जो है बक मुंह से कह लें के बच्चे, मेरी क्या गर्लफ्रेंड है तू क्या है? कह लें है या नहीं, कह लें एक प्रकार से, कह लें थोड़ा थोड़ा सह लें, बाढ़ में जब जो सीधा कहेगा उसको मानेंगे, ठीक है? ए दोस्तों, इसी चीज के साथ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग अभी भी सुन रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आज स्ट्रीम को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अजीब बात आपको बताऊं, अजीब बात, ये आज पता क्यों आया था लेट, ताकि अगली बार ये कह सके मैं तो गया था, आमिर ने स्ट्रीम ही जल्दी एंड कर ली, मैं तो बात करना चाहता था, मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था, इसीलिए मैंने एंड में इसको दोबारा लेकर कंफर्म किया, इसने कहा मैं आऊंगा, अब मुझे इसका इंतजार रहेगा तेल लगा के, ठीक है ना जी, हाँ लिंग के ऊपर, वो यार वो लिंग ना समझे, लिंग के और भी माने होते हैं, ये खुद ही हमें बताते हैं लिंग का एक माना नहीं होता। तो बस इसी चीज के साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, इससे पहले कि बात से बात निकलती चली जाए, बात बढ़ती चली जाए, हम यहीं पर बात का अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, किसी सनातनी भाई का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बल्कि चम्मा चम्मा चाहता हूँ। पप्पी और चप्पी के साथ मिलते हैं अगली स्ट्रीम के अंदर, अल्लाह हाफिज, फी मान लो। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, जाने मन शेयरिंग तो करो ना, करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी।